ज्वाइन फिल्म दिल से में मैं आपसे उन लोगों की कहानियां शेयर करता हूं जिन्होंने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सफर तय किया। वो कभी आप ही के जैसे थे लेकिन आज आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। आप सोच भी सकते हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि बहुत ही छोटे शहर से आती है, जिसको हिंदी अच्छे से नहीं आती, उसका एक्सेंट खराब है, बोलचाल खराब है, उसको कोई जानता नहीं है मुंबई में, उसको इंग्लिश भी अच्छी तरह से बोलना नहीं आता है। उसको शुरुआत में कई नामी और बड़े प्रोडक्शन हाउस कह देते हैं कि उसके अंदर टैलेंट ही नहीं है। इतने के बाद भी वो एक ऐसी एक्ट्रेस बनती है जिसकी फिल्में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करती है, और इतना ही नहीं, उसने 3 बार नेशनल अवार्ड भी जीते। जो कमर्शियली भी हिट है और क्रिटिकली भी एक्लेम्ड है, वो स्टार है, सुपर स्टार कंगना रनावत। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी, फर्क सिर्फ इतना है आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 1987 में हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही छोटी सी जगह भामला में कंगना का जन्म हुआ। माँ स्कूल टीचर थी, पिता बिजनेसमैन थे। बचपन से ही वो बड़ी बागी स्वभाव की थी, बहुत क्वेश्चन पूछती थी। बचपन में जब उनके फादर उनके लिए गुड़िया लाते और भाई के लिए लाते गन, तो वो क्वेश्चन पूछती क्यों उसको बराबरी से गन क्यों नहीं मिल रही है। ये जो स्वभाव था ये हमेशा उनके जुझारूपन को दर्शाता था। हमेशा से वो अलग तरह का फैशन करने में विश्वास रखती थी, जबकि ज्वाइंट फैमिली थी, कंजर्वेटिव फैमिली थी, लेकिन वो हमेशा अपने मन की ही मानती थी। कंगना हालांकि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और जब हम लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो माँ बाप सपना देखते हैं कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ऐसे ही उनके माँ बाप भी चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, और माँ बाप का सपना ही कंगना का भी सपना हो चुका था। लेकिन 10th क्लास में आते आते उनको रियलाइज हुआ, जैसे मैंने कहा कि वो अलग तरह से फैशन करती थी, उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे मॉडलिंग में जाना है, मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे एक अपनी पहचान खुद की बनानी है। ऐसा हम लोग सब चाहते हैं, हमें ड्रीम रियलाइज हो जाता है, हम सोचते हैं कि हमें एक्टर बनना है, बॉलीवुड में जाना है, राइटर डायरेक्टर बनना है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर पाते, जो कि कंगना ने किया। कंगना ने टाइमली एक्शन लिया, इधर गोल सेट किया उधर टाइमली एक्शन लिया, और 16 साल की कम उम्र में वो दिल्ली चली आई बगैर फाइनेंशियल सपोर्ट के। फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन उनको खुद पर भरोसा था। वहां पर वो मॉडलिंग करने लगी, थिएटर भी करने लगी, यहां पर पब्लिक का उनको एप्रिसिएशन मिला। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी लाइफ में एक मेंटर का बहुत बड़ा हाथ होता है करियर बनाने के लिए। वही शायद काम आया कंगना के लिए भी। जब वो अस्मिता ग्रुप दिल्ली में थिएटर कर रही थी, बहुत बड़ा ग्रुप है, जाना माना ग्रुप है, उसके डायरेक्टर जो अरविंद गौर जी हैं बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, उन्होंने बहुत क्लियरली कंगना को बोला कि देखो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, स्किल है, पैशन है, तुम्हारा यहाँ पर थिएटर में बहुत लंबा करियर नहीं हो सकता। शौक के लिए करना अलग बात है, लेकिन अगर प्रोफेशन बनाना है तो थिएटर में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ मुंबई जाना चाहिए। उस बात ने कंगना के मन में ये बात बैठा दी कि अब मुझे मुंबई जाना है, इसलिए वो फ़ौरन मुंबई आ गई, यहाँ पर एक्टिंग सीखने लगी। अगेन टाइमली एक्शन लिया, फ़ौरन मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप थिएटर करके आएँ तो आपको कैमरा एक्टिंग की समझ हो। मैं इतने सालों में मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे थिएटर के अच्छे अच्छे एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं, लेकिन कैमरा एक्टिंग की बारीक समझ ना होने की वजह से, कैमरा फियर होने की वजह से वो यहाँ पर सक्सेसफुल करियर नहीं बना पाते। इस बात को शायद कंगना ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया और इसलिए एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुंबई में जिंदगी इतनी आसान नहीं थी कंगना की, पैसों की दिक्कत थी। हालांकि पिता ने ऑफर किया कि फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अब तक कंगना अपना मन बना चुकी थी। जो भी थोड़ी बहुत उनकी अर्निंग होती थी मॉडलिंग से, बाकी चीजों से, उसी से खर्चा चलाती थी और उसी से वो फीस भी दे रही थी, अपने खर्चे को कम करके और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके, वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रही थी। आप सोच के देखिए जरा, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके, कहीं यही बातें तो आपको नहीं रोक रही हैं। देखिए, सक्सेसफुल लोगों की अगर आप लाइफ जर्नी से सीखेंगे ना, तो आप भी अपना करियर बना सकते हैं। जब यहां पर वो धीरे धीरे एक्टिंग कर रही थी, लोगों से मिल रही थी और ट्रेनिंग के बाद मिल रही थी, तब भी कई लोगों ने बोला कि उनका जो फेस है, उनका जो लुक है, वो ट्रेडिशनल हीरोइंस की तरह नहीं है, उनको स्क्रीन पे कोई नहीं देखना चाहता है। क्या ऐसे डिसअपॉइंटमेंट से आप कभी हार गए? वो नहीं हारी, वो आगे बढ़ती रही और ऑडिशन पे ऑडिशन देती रही। ऑडिशन तो वो लगातार दे रही थी, लेकिन हर बार ऑडिशन के साथ वो ये भी सीख रही थी
कि क्या ऑडिशन देने में उनसे कौन सी गलती हो रही है या वो कहीं गलत लोगों को तो ऑडिशन नहीं दे रही। इसके लिए वो जो सफल कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, सिर्फ उनसे ही मुलाकात करती थी, बड़ी सेलेक्टिव थी लोगों के मामले में। समीर बनर्जी का आपने वीडियो देखा ही है, कास्टिंग डायरेक्टर का जॉइंट फिल्म्स पर, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूं, लिंक शेयर कर रहा हूं, देखिएगा। उन्होंने ही बताया था कि कंगना जब उनसे मिलती थी तो बहुत बारीकी से चीजों को समझती थी, और एक दिन जब महेश भट्ट के यहां वो ले गए ऑडिशन दिलाने के लिए गैंगस्टर फिल्म के लिए, जिसके डायरेक्टर थे अनुराग बासु, उसके लिए उन्होंने बहुत कमाल का ऑडिशन दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनकी एज बहुत कम थी, तकरीबन 17 साल की उम्र थी, तो लुक नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए चित्रांगना को उसके लिए साइन किया गया। लेकिन एंड मोमेंट पे वो फिल्म को नहीं कर पाई। जब चित्रांगना नहीं कर पाई तो कंसिडर किया गया इनको। कह सकते हैं कि वो सही वक्त पे सही जगह थी, या जो मैं हमेशा कहता हूं कि पहला चांस हमेशा बाई चांस मिलता है, लेकिन उसमें अब आपने प्रूफ कितना किया है, कैसा परफॉर्म किया वो भी मैटर करता है। क्योंकि बहुत सी और भी लड़कियों ने ऑडिशन दिए होंगे, इन्हीं को क्यों चुना गया? क्योंकि इनका ऑडिशन सबसे बेहतर था। लुक को फिर डायरेक्टर थोड़ा सा मेंटेन कर लेता है अगर उसको परफॉर्मेंस अच्छी लग जाए, और उन्होंने प्रूफ भी किया। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई और पहली ही फिल्म से कंगना ने सबके दिलों में अपनी पहचान बना ली। फिल्म गैंगस्टर हिट भी हुई और उसके लिए उनको बेस्ट डेब्यू के बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। लेकिन जब पहली फिल्म हिट हो जाती है तो बहुत सारे लोग अपने आप को स्टार सुपरस्टार समझने लगते हैं, एटीट्यूड आ जाता है, और उसके बाद उनका अप्रोच का तरीका बदल जाता है, या तो फिर वो चाहते हैं कि अब उनको इसी के तरह की फिल्में मिलती रहें। लेकिन कंगना ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उतार चढ़ाव वाला रास्ता था उसके बाद भी, क्योंकि उनको जो भी फिल्में मिल रही थी उसमें उस तरह के रोल नहीं थे जैसे वो चाहती थी। छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, जैसे कि आपको याद होगा लाइफ इन अ मेट्रो, बहुत छोटा सा रोल था। उसके बाद वो लम्हे आई जो कि बहुत ज़्यादा चली नहीं फिल्म। उसके बाद एक फिल्म आई उनकी फैशन, फैशन में तो उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन उसके लिए भी उनको नेशनल अवार्ड मिला। अगेन आप देखेंगे कि उन्होंने निरंतर अपनी परफॉर्मेंस को सुधार करती गई और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती गई, क्योंकि बने रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस बॉलीवुड के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि हीरोइंस यहाँ पर सिर्फ शोपीस होती हैं, सॉन्ग्स में यूटिलाइज होती हैं, इसके अलावा उनके पास एक्टिंग दिखाने का कोई मौका नहीं होता, उसी बॉलीवुड में कंगना ने काफी साल बाद एक ऐसा रोल किया जिससे कि उनकी पहचान बनी, और वो फिल्म थी तनु वेड्स बनी, जिस फिल्म से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कंगना ने उसी शिद्दत के साथ काम किया और फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। बहुत लोगों ने उनको एक अलग तरह के रोल में देखा था। इससे पहले बड़े साइको वाले और गैंगस्टर वाले या एक डार्क शेड वाले रोल करती थी, लेकिन इसमें एक अलग तरह का रूप देखने को मिला। उसके बाद फिर अगेन अलग अलग तरह के रोल करने की ख्वाहिश, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। फिर उतार चढ़ाव चालू हुआ और उसके बाद लोगों ने उनको एक नए रूप में देखा फिल्म क्रिश 3 में। तुमने उसे चीट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। He can't stand traitors. एक नेगेटिव करेक्टर जिसमें एक ही कॉस्ट्यूम है, लेकिन उस करेक्टर में भी उन्होंने अपनी पहचान बना ही ली। उसके बाद अगेन फिर थोड़ा सा समय गुजरा और फिर फिल्म आई क्वीन। क्वीन में एक ऐसी लड़की की कहानी जिसको हनीमून मनाने जाना है, जिसकी शादी कैंसिल हो गई। एक इस तरह का एक्सपेरिमेंटल रोल था जो कोई भी हीरोइन पहली बार में अगर वो सक्सेसफुल है तो करना नहीं चाहती। लेकिन कंगना को अपने ऊपर भरोसा था, उसको अपने टैलेंट पे भरोसा था, उसने वो फिल्म की और फिल्म की उसके बाद वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, सबने उसके एक्टिंग की खूब तारीफ की और उनको नेशनल अवार्ड भी मिला दूसरा इसी फिल्म के लिए। उसके बाद फिर कुछ फिल्में आई, क्योंकि लोग क्या होता है जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, कई बार जब आपकी इमेज अच्छी बन जाती है, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो लोग ना रिपीट करने लगते हैं। आपको यहां पर चुनना पड़ता है, बच बच के चलना पड़ता है। उसके बाद फिल्म आई फिर से तनु वेड्स मनु 2, जिसमें उन्होंने डबल रोल करा। और आप तो जानते ही हैं कि कहा जाता है कि वही सुपरस्टार होता है जो डबल रोल करता है, तो यहां पर कंगना ने वो काम भी कर दिखाया, डबल रोल में भी अपनी छाप छोड़ दी। आज जिस स्टार सुपरस्टार कंगना रनौत को हम जानते हैं, हम उसकी सक्सेस को देखते हैं, लेकिन अगर पीछे मुड़ के देखें तो 10 साल लग गए ये सब करने में, ये सब बनाने में, ये पहचान और ये नाम बनाने में। तो आपको ये समझना होगा कि एक एक्टर के लिए, जो मैं हमेशा कहता हूं,
सिर्फ पैशन से काम नहीं चलेगा, पेशेंस भी चाहिए। ये दोनों पी बहुत ही यूजफुल हैं अगर आपको एक्टिंग में करियर बनाना है। कई बार आपको जोश में लगना पड़ेगा जब आपके ऊपर दुनिया हावी हो रही होगी, जैसे कंगना पे हुई, लेकिन कई बार सब्र से चलना होगा जब चीजें वैसी नहीं हो रही होंगी जैसी आप चाहते हैं। लेकिन आपको अपना गोल नहीं भूलना है, आपको अपनी अप्रोच नहीं भूलनी, आपको अपना सीखने का तरीका नहीं भूलना है, आपको उस पर निरंतर काम करना है। और उसी का नतीजा है कि आज वे इतनी बड़ी एक फिल्म मणिकर्णिका में सेंट्रल करेक्टर प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि अब इंडस्ट्री को उन पर भरोसा हो गया है, ऑडियंस उनको देखना चाहती है अलग अलग तरह के किरदारों में। तो आप ये देखिए, जब आप इतना समय गुजारते हैं, लोगों से मिलते जुलते चलते हैं, अपना अप्रोच रखते हैं, तो आपको इस तरह के पीरियडिक ड्रामा के रोल भी ऑफर होने लगते हैं, हिस्टोरिकल रोल भी ऑफर होने लगते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये, इतना आसान नहीं है इनको निभाना। क्योंकि एज एन एक्टर आप उनको विजुलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि आपके आसपास वो किरदार नहीं है, तो आप ऑब्जर्व कहां से करेंगे। एक्टिंग के साथ ही साथ इस फिल्म में उन्होंने डायरेक्शन भी किया है। और ये क्यों हो पाया? वो इसलिए हो पाया कि अब इंडस्ट्री को उनकी स्किल्स पे भरोसा हो गया है। इन 10 सालों में उन्होंने बहुत क्रिएटिव उनका आर्ट देखा होगा, समझा होगा, उनका विजन समझा होगा, तभी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस फिल्म की, हिस्टोरिकल फिल्म की जिम्मेदारी उनको दे दी। मैं यही जानता हूं और यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको बॉलीवुड में करियर बनाना है तो बेकार की बातों में, बेकार के एक्सक्यूज में मत उलझिए कि मैं गर्ल हूं, छोटे शहर से हूं, मैं नहीं आ सकती। कंगना का करियर ग्राफ उठा के देख लीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपके अंदर हिम्मत आएगी, एक जोश आएगा। आप सोचते हैं कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता पेरेंट्स का, क्या कंगना को मिला था? उसके बाद भी प्रूफ किया, इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ नहीं लेगी, कंगना को भी नहीं लिया था। एक सक्सेस के बाद दूसरी सक्सेस तक पहुंचने में एक समय लगेगा, आपको सब्र से चलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि दिल से की सीरीज से आपके अंदर वो जज्बा जागेगा जिससे कि आप अपना एक बेहतरीन करियर प्लान कर सकें और एक सक्सेसफुल एक्टर बने, एक सक्सेसफुल बॉलीवुड प्रोफेशनल बने। और बॉलीवुड में करियर बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपको निरंतर चलना होगा, सीखते रहना होगा, तभी आप यहां पर जमे रह सकते हैं। देखिए, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो है आपके अंदर का खुद का डर, और इस डर को आप जीत के ही दूर कर सकते हैं, और इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। वो मैं कहता हूं ना कि या तो जान लगा दो या जाने दो। I can...